आगे मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताने वाले दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में कैसे चला सकते हैं और इस एप्लीकेशन का आप अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे। जैसे सर दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए मिल रहा है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और जो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। स्क्रीन शॉट की सहायता से समझेंगे तो दोस्तों इसे अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देने के लिए मिलेगा, जो कि इस प्रकार से आपके मोबाइल के सामने खुल के आएगा। तो चलिए आप इस एप्लीकेशन का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो चलिए हम इसे यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए दोस्तों, जहाँ कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से। तो चलिए हम इसे ओपन कर होने देते हैं। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको दोस्तों आपको यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर आप भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। अब भाषा सेलेक्ट कर लेने के बाद जो दोस्तों आपको कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देना है। यहाँ पे हम इसलिए कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देते हैं और कंटिन्यू वाले बटन पर टैप, भाषा जो दोस्तों कुछ गलत ही हो गया तो इसे हम इंग्लिश में रख लेते हैं और फिर कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देते हैं। और कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देने के बाद दोस्तों वेलकम टू दीक्षा डिस्कवर कंटेंट एस। तो दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो है क्या है, कि टीचर है, स्टूडेंट है, SDR ऑफिशियल, पेरेंट अदर। तो दोस्तों आपको जो भी है, जैसे आप स्टूडेंट के तौर पर रहना चाहते हैं या टीचर के तौर पर रहना चाहते हैं, आप उसमें से क्लिक कर ले। तो चलिए हम यहाँ स्टूडेंट वाले बटन पर रख के क्लिक कर देते हैं। अब हम स्टूडेंट वाले बटन पर रख के जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहेंगे हमको दुकान कैसे उठना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आ रहा है स्कैन QR कोड करने के लिए, डोंट हैव ए QR कोड सेलेक्ट बोर्ड। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको आप ध्यान से देखेंगे कि भैया आपको सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक कर देते और यहाँ पर से जो आपको अब दोस्तों आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है कौन बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे यहाँ जो है CBSE, NCERT, CIESE, IGOT। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारा बोर्ड अपने अपने राज्य का बोर्ड होता है। तो चलिए अगर हम जो है बिहार से आते हैं तो चलिए हम इस वाले बोर्ड के स्टेट वाले लेवल पर क्लिक कर देते हैं बिहार, और यहाँ से जो सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट मीडियम ये सारी चीज़ आ रहा है, अरबी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। तो चलिए हम जो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी पे क्लिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और क्लास यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन से क्लास के पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों 12th CPED अदर ये सारी चीज़ बड़ी बड़ी पढ़ाई जो इसमें पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे 11th इसमें से डाल लेते हैं और फिर कंटिन्यू वाले बटन पर टाइप कर लेते हैं। हम जैसे टाइप करेंगे आपको हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल। तो चलिए दोस्तों अब जो स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो चलिए हम जो अपना डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है, हम भागलपुर में सबमिट कर देते हैं। तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट लिख के जो है हम सबमिट कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए लीजिए हमारा जो है 11 क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का जो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा यहाँ इंग्लिश मीडियम का ओपन बुक हो चुका है, जबकि हमें यहाँ पे हिंदी मीडियम का चाहिए था। चलिए तब हम इंग्लिश मीडियम वाले बटन पर टैप करेंगे, अरबी मीडियम, अरबिक मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम भी यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन पर जो आप ऑनलाइन दोस्तों घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ से जो 11th का अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी यह सारी लेखा शास्त्र वित्तीय लेखा शास्त्र ये सारी चीज़ जो दोस्तों ये सारे बुक इसमें से चलता है। और आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर किस प्रकार से जो आप इस एप्लीकेशन पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ये आपका प्रोफाइल हुआ, ये देख लीजिए प्रोफाइल यहाँ पे सारे चीज़ आप जो चीज़ यहाँ पे डाले वो सारे चीज़ यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब चलिए हम आ जाते हैं होम वाले पेज में और यहाँ से होम वाले पेज में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर देंगे, सर्च करेंगे 11th कोर्स। चलिए हम लिखेंगे ये सारी चीज़ एक बार सर्च कर लेते हैं देख के कि क्या इसमें हमारा होता स्टूडेंट बाल विज्ञान
तो ये सारी चीज़ जो दोस्तों इसमें सर्च आ जाता है कुछ। तो चलिए हम जो यहाँ पे सबसे पहले अपना क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, डिजिटल टेक्स्ट बुक, और उसके बाद जो है हिंदी मीडियम वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और जो है 11th वाले बटन पे टैप कर देंगे, 12th वाले बटन पे टैप कर देंगे। अब 12th वाले बटन पे टैप कर देने के बाद देख लीजिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से, लेखा शास्त्र, अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों, आप भी इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं 100%। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।